नमस्कार दोस्तों, आप महंगा से महंगा स्मार्टफोन ले लें पर अगर आपका स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं है और गलती से भी थोड़ा भी पानी आपके स्मार्टफोन पर पड़ गया तो आपके सभी पैसे मिट्टी हो जाएंगे। सो इसीलिए इस वीडियो में आपको टॉप 5 वाटरप्रूफ स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि अंडर 20,000 के बजट में आते हैं। इसके अलावा इन स्मार्टफोन में आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लॉन्ग बैटरी देखने को मिलेगी और बढ़िया कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। किसी भी स्मार्टफोन की वाटरप्रूफिंग उनकी आईपी रेटिंग पर निर्भर करती है। अगर आपको इस वीडियो में आपको कम आईपी रेटिंग देखने को मिले तो समझ जाना कि इस पर हल्का फुल्का ही पानी पड़ने पर ये फोन खराब नहीं होगा। पर अगर हाँ, आपका अगर स्मार्टफोन 1 मीटर से गहरे पानी में अगर गिर जाए तो आपके स्मार्टफोन के खराब होने के काफी चांस हो जाते हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत हम 5th नंबर से करें तो 5th नंबर पे नाम आता है Xiaomi Redmi Note 11 Pro का। इस स्मार्टफोन का बैक मिनरल ग्लास से बना हुआ है। वेट के बारे में हम बात करें तो स्मार्टफोन का वेट 202 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.1 mm की थिकनेस साथ आता है और इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के कलर ऑप्शन के ऊपर नज़र डालते हैं। ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको IP53 की रेटिंग देखने को मिलेगी जो कि आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करेगी। सो दोस्तों, अब हम बात कर लें स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास Wi-Fi का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। वीडियोग्राफिंग और फोटोग्राफिंग के लिए अब हम इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे के ऊपर नज़र डालें तो इसके रियर में आपको क्वार रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 108MP का प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ये रहे स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। अब हम बेसिक फीचर के ऊपर नजर डालें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G का सपोर्ट देखने मिलेगा, साथ में आपको लाउडस्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम नजर डालें स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर तो स्मार्टफोन का प्राइस 17,999 रुपये है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम 4th नंबर के बारे में हम बात करें तो 4th नंबर पे नाम आता है Xiaomi Redmi Note 12 का। इस स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और स्मार्टफोन में आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें तो स्मार्टफोन का वेट 188 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 7.98mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के ऊपर नजर डालें तो ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शन में मार्केट में मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन को पानी से बचाने के लिए स्मार्टफोन के वाटर प्रूफिंग के ऊपर नजर डालें तो इसमें आपको IP53 की रेटिंग देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत हमेशा की तरह इसकी डिस्प्ले से करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास V3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिससे आप स्मूथली हैवी से हैवी गेमिंग कर पाएंगे और स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम कैमरा क्वालिटी के ऊपर नजर डालें, स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 48MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में आपको 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। सो दोस्तों, अब हम बात करें स्मार्टफोन के बेसिक फीचर के बारे में तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में आपको लाउडस्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में अब हम बात करें तो स्मार्टफोन का प्राइस 17,999 रुपये है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए 3rd नंबर के बारे में हम बात करें तो 3rd नंबर पे नाम आता है Vivo Y35 का। पहले हम स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर नज़र डालें तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें तो स्मार्टफोन का वेट 188 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.2mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा और वाटर प्रूफिंग के लिए इसमें आपको IP5X की रेटिंग देखने को मिलेगी।
चलिए अब हम नजर डालें स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो इसमें आपको 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिससे आप गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और इस स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। ये रही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात। अब हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नज़र डालें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने मिलेगा जिसमें आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में। तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने मिलेगी जो कि 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। दोस्तों ये रही स्मार्टफोन की मेन स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के बेसिक फीचर के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको लाउड स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थे स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन और बेसिक स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में हम बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 18,490 रुपये में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जिन स्मार्टफोन के बारे में बताया है उन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप स्मार्टफोन को परचेस भी करना चाहते हैं स्मार्टफोन का परचेस भी कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करें सेकेंड नंबर की, तो सेकेंड नंबर पर नाम आता है ओप्पो K10 5G का। पहले दोस्तों हम इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में हम बात कर लें तो इस स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ होगा। इस स्मार्टफोन के साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें तो इस स्मार्टफोन का वेट 190 ग्राम होगा, और ये स्मार्टफोन 7.9mm की थिकनेस के साथ आएगा। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करें अपने वीडियो के टॉपिक यानी इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए इसकी IP रेटिंग के बारे में, तो इसमें आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिलेगी जिससे आपका स्मार्टफोन पानी से पूरी तरह प्रोटेक्ट रहेगा। दोस्तों इसके मेन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत हमेशा तरह स्मार्टफोन के डिस्प्ले से करें तो इसमें आपको 6.56 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी, और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 810 की बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नजर डालें तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 48MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा, और सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अब हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। दोस्तों अब बारी है स्मार्टफोन के बेसिक फीचर के ऊपर नज़र डालने की, तो स्मार्टफोन में आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको लाउड स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात, तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 19,950 रुपये है। दोस्तों फाइनली अब हम बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर पे भी ओप्पो का ही स्मार्टफोन का नाम आता है जो कि ओप्पो A78 5G है। इस स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें, स्मार्टफोन का वेट 188 ग्राम है, और ये स्मार्टफोन 7.9mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, और पानी से बचाने के लिए इसमें आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन पूरी तरह पानी से प्रोटेक्ट रहेगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको 6.56 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 700 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिससे आप स्मूथली और हैवी से हैवी गेमिंग कर पाएंगे, और स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। चलिए अब हम फोटोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नज़र डालें तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा, और सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये थी स्मार्टफोन के कैमरे क्वालिटी के बारे में बात। अब हम स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको बेसिक फीचर के तौर पर इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको लाउड स्पीकर और 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब हम लास्ट में बात करें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 18,999 रुपये है। सो दोस्तों ये थे टॉप 5 वाटरप्रूफ स्मार्टफोन जो कि अंडर 20,000 के बजट में आते हैं। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा या किसी और कैटेगरी या किसी और बजट पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट कर जरूर बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद ही हम आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट ले आ पाते हैं। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।